तुम लोगों ने अम्मा को अकेले जाने क्यों दिया? चचा वो बताए बगैर ही चली गई थी। मेरा ख्याल है कि यहाँ खड़े होकर पंचायतें करने के बजाय इधर उधर जाकर ढूंढना चाहिए माँ जी को, कोई नया पुआड़ा ना पड़ जाए। असली यह है ना सरवरी खाला के घर पता करने के लिए। ले सरवरी के तो अपने पाँव में पहिए लगे हुए हैं, वो कभी टिक कर बैठी है घर पे? 10 बज गए रात के और सब सुकून से बैठे हो तुम लोग। वाह अजीब बात कर रहे हैं आप मुनीर जी, क्या करें एक टांग पे खड़े होकर चिल्ला काटना स्टार्ट कर दे। बस तुमसे फजूल बातें करवा लो जितना मर्जी। असफी पता चला भी अम्मा का? सरवरी खाला तो कह रही है कि उनके पास नहीं आई भी अम्मा। नहीं तो तेरा मुंह क्यों गोड़ वाली गजक जैसा बना हुआ है? जा ना दोबारा ढूंढ, लॉस्ट माजी को फाउंड कर। एक तो आपकी गजक ना मेरी समझ से बाहर है, पता नहीं कहाँ से ढूंढ के लाती है मिसालें। तुम जैसी विलायती कुकड़ों को क्या पता देसी खुराक क्या होती है, इसलिए तो फूक मारो तो दीवार से जाके लगते हो। तुम अपनी ये देसी खुराक की एडवर्टाइजिंग बंद करो, खुदा का खौफ करो, अकेले भेज दिया मेरी माँ को। मुनीर जी मेरे सारे किए कराए पे चूना फेर देते हैं आप। आप तो ऐसे बोल रहे जैसे खुदा ना खासा मैंने माँ जी का हाथ पकड़ कर उनको घर से निकाला हो। हेलो 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 हेलो, गुंगो ने भी अब फोन मिलाना शुरू कर दिया। आपके मेनों से तो अच्छे भलों की जबान बंद हो जाती है, फोन की क्या औकात है? अगर अम्मा को कुछ हुआ ना छोड़ूंगा नहीं मैं किसी को भी। फांसी घाट बना देना घर को, फांसी चढ़ा दीजिएगा 1 by 1। अब मैं जाकर देखता हूँ। अरे बेटे कारोबार में ऊंच नीच होती रहती है, तुम क्यों परेशान हो रहे हो? समझ में नहीं आ रहा अब्बा ऐसा कैसे हो गया। अरे जो किस्मत में था मियां हो गया, तहमल से काम। अब्बा कैसे तहमल से काम लूं, मेरे पार्टनर्स ने मेरी जिंदगी अजाब कर रखी है। मैं तो तुम समझाओ उसे, तुम्हारा कसूर थोड़ी है। क्या बात कर रहे हैं अब्बा, गरीब मुल्ला की अजान कौन सुनता है भला। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तुम उठाए कहाँ चले आ रहे हो? वो अब्बा मियां से बात करनी थी। मियां सब खैरियत तो है ना? बियम्मा तो नहीं आई इधर? बियम्मा यहाँ क्यों आएंगी? फिर कहाँ गई? आपको पता है पिछले 4 घंटे से गायब है वो, और कुछ पता ही नहीं चल रहा कहाँ है। क्या मतलब कहाँ गई बियम्मा? वही तो पूछने आया हूँ। अरे मियाँ हमने कोई इन्फॉर्मेशन सेल थोड़ी खोल रखा है, जाओ जाके पता करो, अड़ोस पड़ोस में होंगी। तमीज से बात करो, तुम्हारी सगी माँ है वो। तो अब्बा ये मुन्ने की जिम्मेदारी थी ना कि वो ध्यान रखता, लेकिन ऐसे मौकों पर वो मुन्ना बन जाता है। अरे तुमने बड़ा भाई बन के कौन से मुन्ने का ख्याल किया? अब्बा मैं पहले ही बहुत अपसेट। हाँ मियाँ तुमने लगा दिया आग, अब अपने पेट्रोल की बाल्टी लो और निकलो यहाँ से। अरे बेटा सुनो, पड़ोस में देखा तुमने? हर जगह चेक कराया हूँ, समझ में नहीं आ रही आखिर जा कहाँ सकती है वो, दोबारा देखता हूँ। अब आप कहाँ जा रहे हैं? आ रहा हूँ भाई। अरे पता तो चले। हर बात का पता चलना जरूरी नहीं है, बस तुम अपने माँ बाप के सर पे बर्फ की छिल रखो, गुस्सा करते रहते हैं। अच्छा हो गई, पता नहीं कब से वो कहाँ है और किसी को फिक्र ही नहीं। वो क्या गया सबको? अल्लाह तुम 4 घंटे से यही हो तबर समझा? 4 घंटे 45 मिनट और 20 सेकंड से। अरे आई एम सो सॉरी, तुम वापस चली जाती ना, मेरे तो जहन से निकल गया। तो आपके जहन से निकला था ना, मेरे दिल से तो नहीं, कैसे चली जाती वापस? क्या करता, शर्जी जबरदस्ती डॉक्टर के पास ले गया, वापसी में मैं समझा तू चली गई होगी। आपसे वादा किया था, कैसे चली जाती मैं? बहुत गलती हो गई, मुजरम है तुम्हारे, अब जो सजा दोगी हमें कबूल। अच्छा तो उठक बैठक लगवाऊं? हम खुद लगा लेते हैं भाई, छोड़ो। अरे नहीं मियाँ छोड़ो, नहीं होगा ये आपसे, बैठे। ज्यादती कर दी आज तुम्हारे साथ हमने, तबस्सुम बेगम ये उस ज्यादती से तो कम है जो हमारी औलाद हमारे साथ कर रही है। हमारा दिल तो अभी तक काबू में नहीं आ रहा। बुढ़ापे की निशानी है ये। सच बताएं अगर तुम नहीं मिलती ना तो बस दिल बैठ जाता हमारा। ऐसा ना कहे, अल्लाह ना करे। अल्लाह तेरा शुक्र।